नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। और आज हमारे सामने में एक ई रिक्शा है जो कि स्टार कंपनी की है। स्टार का आपको लोगो दिख जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टार का लोगो दिख जाएगा। और दोस्तों, गाड़ी देखने में सेम टू सेम ऑटो के जैसे लग रही है। इसका जो लुक है सामने से देखने में सेम टू सेम ऑटो के जैसे है। जैसे आप देखेंगे महिंद्रा की और आपे की गाड़ी है, वैसे ही ये गाड़ी है। आज हम इसको इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, आप पूरी जानकारी को समझें। पहले मैं इसका सामने का पोजीशन दिखाता हूं आपको। इसका जो टायर है काफ़ी बड़ा है और हाइट में है। और जो इसका सामने का बम्पर है सेम टू सेम जैसे महिंद्रा है और आपे में है वैसी है। इसके बाद में दोस्तों, आपको इसमें दो बड़ी हेडलाइट मिल जाएगी दोनों साइड में। जैसे कि हेडलाइट है दोनों साइड, वेंटिलेटर है, एक वाइपर है, देख सकते हैं। और इसके बाद में जो इसका कांच है काफ़ी बड़ा है, वाइपर कुछ इस तरह से ग्लास को कांच है काफ़ी बड़ा है। आपको अंदर से बैठने में और सवारी अंदर से बैठेगी तो आपको बाहर का पूरा नज़ारा दिख जाएगा। अब मैं आपको गाड़ी के पीछे के साइड को दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको दिख जाएगी जो सीट मिलेगी, बड़ी सीट है, आराम से इसमें आप तीन तीन सवारी बैठा ही सकते हैं। क्यों भाई साहब, तीन बैठा लेते हैं? दुबले पतले तीन बैठ जाते हैं। ओके, तो वैसे पासिंग दो भी है पर आप अडजस्ट करके तीन बैठ। ओके, और हैंडल भी लगा हुआ पकड़ने के लिए। गाड़ी काफी हाइट है, सर में लगेगा नहीं सर। और ये सर फाइबर स्टील की है ना, अगर लोहे का। और इसकी दोस्तों जो छत है वो स्टील की है, लोहे की है, सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद में जो पीछे का लुक आप देखेंगे तो में काफी शानदार लग रहा है, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और ये टाइप का इससे बना हुआ है जिससे कि आप अंदर बैठेंगे तो आपको बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हो। अगर बाहर सामने सवारी बैठी है उसका मुंह पीछे की तरफ है तो पीछे आराम से बाहर की तरफ भी देख सकते हैं। इसके बाद में इसके सपोर्ट के लिए बम्पर लगा हुआ है, डायरेक्ट कोई ठोकेगा तो आपकी गाड़ी को डैमेज नहीं होने वाली है। इसके बाद में ब्रेक लाइट मिल जाएगा, पार्किंग लाइट और इंडिकेटर, तीनों सीट आपको पीछे मिल जाएगी। ऐसा इसकी स्टेपनी वगैरह है क्या, वो कहाँ रखते हैं? अच्छा, इसके अंदर दोस्तों ये जो लॉक लगा हुआ है, भाई ने लगाया है, इसके अंदर आपको स्टेपनी मिल जाएगी। क्या क्या है उसके अंदर? दोस्तों आपको इसके अंदर कंट्रोलर मिल जाएगा, स्टेपनी मिल जाएगी और आप इसके अंदर टूल बॉक्स भी रख सकते हैं। अच्छा, ये बैक हॉर्न लगा हुआ है, ये वाला रिवर्स के लिए हॉर्न है ना, और एक कंट्रोलर है, ये मेन कंट्रोलर है, वो मिनी कंट्रोलर है। ओके, और बाकी बैटरी वगैरह कहाँ है भाई साहब इसकी? अच्छा, बैटरी इसके बीच में है। अच्छा भाई साहब, इसकी बैटरी कितनी है, कितनी बैटरी की है? चार बैटरी है। चार बैटरी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सफीद पंचोली। अच्छा, तुम दो लगभग आप कितने दिन से चला रहे थे? 3 महीने हो गए। तो आपने इलेक्ट्रिक ही क्यों लिया? मार्केट में तो बहुत सारी सीएनजी गाड़ियां हैं। इसके पहले आप क्या काम कर रहे हैं? पहले सर मेरा कुरियर का काम, कुरियर का। अच्छा, तो वो काम छोड़ के आपने अपनी ये रिक्शा ले ली और मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैंने कुछ गाड़ी खरीद के चला। अच्छा, तो अभी जैसे आपको 3 महीना हो गया, तो इसको चार्जिंग आप कितनी देर में कर देते हैं? फुल चार्जिंग सर, फुल चार्ज करने के लिए 7 से 9 घंटे लगते हैं। अच्छा, 4-5 घंटे भी चार्जिंग कर लेते हैं सर, तो चली जाती है। अच्छा, 100 किलोमीटर के आसपास। जैसे आप अभी फुल चार्ज करते हैं, बैटरी कितनी इसकी? 4 बैटरी है। 4 बैटरी है, 8 घंटे में चार्ज होती है। कंपनी ने क्या बताया कितने किलोमीटर तक? कंपनी ने 120 का बताया, लेकिन एक्चुअल मैंने जो इसका एवरेज निकाला है वो 120 से लेकर 140 का निकाला है। अच्छा, अगर आप सवारी ज्यादा डालेंगे तो किलोमीटर 120 तक चली जाएगी। अच्छा, अगर कम सवारी रहेगी तो 150 तक जाएगी। और इसको जैसे आप 8 घंटा फुल चार्ज करते हैं तो उसका जो लाइट बिल का खर्चा वो कितना आ जाता है? बिल सर आपका 100 रुपये से 120 रुपये। 100 रुपये से 120 रुपये।
अच्छा, और जैसे इसकी मोटर है, चार्जर है, बैटरी है, उसकी वारंटी कितनी? 1.5 साल। 1.5 साल सभी चीज़ की है कि सिर्फ बैटरी की है? मोटर बैटरी की और मोटर की है सर। 1.5 साल और चार्जर बाकी कंट्रोल वगैरह सभी आ गया। अच्छा, उसके अंदर सभी आ गए। तो आपने स्टार की क्यों ली, महिंद्रा की क्यों नहीं ली? महिंद्रा की बहुत अच्छी है। जैसे की बहुत सारी रिक्शा है, उनका लुक देखने में अच्छा लगता है, मोटरसाइकिल भी निकल रहा है बारिश है। और ये पर्दे आपने खुद लगवाए हैं कि लगे हुए? लगे हुए। और जैसे कि इसमें बैटरी वगैरह में पानी तो लगता होगा ना? बैटरी पानी लेता 15 दिन में चेंज होता है। कितना पानी लगेगा? कितना खर्चा? 50 रुपए। 50 रुपए एक लीटर वाटर लगती है, वो 50 रुपए आप दो बार डाल सकते हैं। कितने में पड़ी अपने को? 1.85 लाख थी। 1,85,000। तो आपने फाइनेंस कराया कि कैश में? फाइनेंस करा। तो आपने कितने डाउन पेमेंट की? 57,000 आपने। और किस्त कितनी? 8,000। कितने दिन के लिए? 2 साल। 24 महीने। तो गाड़ी अभी चलने में कैसी है, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है, खुश है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपने लें बहुत मेन है, चार्जर चलाते हैं, चार्जर खराब हो जाता है बार बार, मोटर खराब हो जाती है। तो आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है? चार्जर कंपनी से मिस्टेक आ गया था। अच्छा, तो चार्जर वगैरह मतलब कंपनी में रिप्लेस हो जाता है, तुरंत मिल जाता है? अच्छा, कंपनी की सर्विस कैसी है आपके हिसाब से, कैसी लगी? बढ़िया सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी कोई लोग इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में क्या आप सलाह क्या सकते हैं? अच्छी गाड़ी है, अच्छी अच्छा। तो आप अभी तक दिन भर चलाते हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है, कमाई कितनी? 1,000 के आसपास। तो आप दिन में 2 बार चार्ज करते हैं, सिंगल चार्ज? एक ही बार, नाइट में चार्ज करते हैं, दिन भर चला। अच्छा, नाइट में चार्ज करते हैं, दिन भर चला लेते हैं। और जैसे चार्जिंग आप कहाँ करते हैं, घर पे करते हैं कि बाहर करते हैं? घर पे। अच्छा, तो लाइट बिल कितने आ जाते हैं महीने का? महीने का आता है 3,000 साढ़े 3,000। यानी कि 3,000 पकड़ लेते हैं। और जैसे कि बाहर में चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ आपने कभी किया है? बाहर किया नहीं, बाकी अभी लग चुके हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सरजीत है, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जानकारी आपके समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम।